तुर्की और चीन इस ड्रोन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। चीन का ड्रोन आज पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो आज हम तुर्कीज ड्रोन और चाइनीज़ ड्रोन के बारे में बात करने वाले हैं, यानी किस देश का ड्रोन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वसीम रज़ा और आप देख रहे हैं स्टडी अगेन यूट्यूब चैनल। बात करें तुर्कीज ड्रोन की, तो यह अपनी परफॉर्मेंस युद्ध के मैदान में कई बार दिखा चुका है। इस ड्रोन का इस्तेमाल 2020 में होने वाले युद्ध अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच किया गया था। इस ड्रोन की मदद से ही अजरबैजान ने आर्मेनिया से युद्ध जीता था। इसके अलावा तुर्की ड्रोन रसिया और यूक्रेन वॉर में भी यूक्रेन की तरफ से एक अहम रोल अदा किया है। बात करें चाइनीज ड्रोन की, तो यह अभी तक युद्ध के मैदान में अपनी परफॉर्मेंस कोई खास नहीं दिखाया है। बात करें इन दोनों देशों की ड्रोन की कीमत की, ये दोनों ड्रोन US यानी यूनाइटेड स्टेट की ड्रोन से काफ़ी सस्ती हैं। चीन ने तुर्की ड्रोन के परफॉर्मेंस को देखते हुए तुर्की ड्रोन के CEO पर अन्य देशों को भेजे गए ड्रोन पर छिपे हुए प्रतिबंध लगाने का आरोप लगा दिया है। तुर्की ड्रोन के CEO ने इसे पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल बता दिया है। चीन तुर्की ड्रोन बैरक्टर पर कई टिप्पणी किया है, लेकिन तुर्की ड्रोन के CEO ने कहा कि चीन अपने पड़ोसी एशियाई देशों को ड्रोन बेचने को तैयार नहीं है, लेकिन तुर्की उन देशों को एक बेहतर ऑप्शन दे रहा है। तुर्की के ड्रोन ने कई जीत हासिल की है। दुनिया भर के सभी देश तुर्की ड्रोन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जबकि चीनी ड्रोन मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट में बेचे जाते हैं। तुर्की ड्रोन कंपनी चीनी ड्रोन कंपनी को पछाड़ना चाहता है। चाइनीज ड्रोन कंपनी ने दावा किया था कि पहले सभी देश चीन से ड्रोन खरीदे थे, लेकिन अब इन सभी देशों ने तुर्की ड्रोन यानी बैरक्टर टेक्नोलॉजी से बना ड्रोन खरीद रहे हैं। चाइनीज कंपनी ने कहा कि तुर्की ड्रोन की डिमांड चाइनीज ड्रोन की डिमांड से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तुर्की ड्रोन कंपनी ने चाइनीज ड्रोन कंपनी को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में भी पीछे कर चुका है। जिनके पास वर्तमान में विंग लून और कस्ट रेनबो ड्रोन को देखा गया है, ये चाइनीज ड्रोन तुर्की ड्रोन TB2 की तरह लोगों का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा है। तुर्की ड्रोन आज पूरी दुनिया में युद्ध परफॉर्मेंस के नाम से जानी जाती है। तो वहीं आज चाइनीज ड्रोन की आलोचना की जा रही है, क्योंकि लीबिया में गृह युद्ध के दौरान यूनाइटेड अरब एमिरेट्स द्वारा हफ्ता की आर्मी को दी गई चाइनीज ड्रोन को लीबिया के आर्मी द्वारा हार का सामना करना पड़ा था। ये वजह है कि चीनी ड्रोन के बारे में माना जा रहा है कि एक भयंकर रूप से लड़ी गई लड़ाई में यह ड्रोन कैसे काम करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वैसे आपको तुर्की ड्रोन और चाइनीज ड्रोन के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।